भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बार श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि 18 व 25 जुलाई तथा 1 व 8 अगस्त को सोमवार पड़ेगा। 12 अगस्त को सावन माह का समापन होगा। आपको बता दें कि महादेव झारखंडी सहित प्रमुख शिवालयों में सावन को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इन मंदिरों में पुरुष एवं महिलाओं श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में महादेव झारखंडी शिव मंदिर के पुजारी शंभुगिरी ने बताया कि 1928 से पहले इस मंदिर के आसपास जंगल के अलावा कुछ नहीं था। भोलेनाथ की उत्पत्ति के बाद भोलेनाथ की आस्था में लोग दूर दूर से जल चढ़ाने आते हैं। इस मंदिर में जिसकी जो भी मांगे होती हैं, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं व किसी को निराश नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से चैत्र रामनवमी का बहुत महत्व होता है, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ के सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। पूरे सावन भर पूरे विश्व में जहाँ भी इनका शिवलिंग स्थान है, लोग अपनी आस्था जताने के लिए काफ़ी दूर दूर से कावन में गंगा जल चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं। भगवान शिव को जल, फूल, बेलपत्र, दूध, चावल, चंदन चढ़ाया जाता है। भांग, धतूरा और बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत पसंद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए महादेव झारखंडी शिव मंदिर के पुजारी शंभुगिरी ने कहा, झारखंडीश्वर महादेवाय नमः। बेलपत्र, भांग, धतु, फूल, एक मिनट घंटी तोड़िए, उसका डांटी देखिए, थोड़ा गया है। वहाँ सुबह कहते रहिए और मन की इच्छा प्रकट करते रहिए कि महादेव जी मुझे भी एक गुरुवार में वंदना मृत और मुख्य मृता दो रुद्रह प्रचोदयात। फूल का माला बा मदार के, मदार का माला होगा, आराम से पहनाइए महादेव जी। कल धतु श्वेत मंदार पुष्पमाल्याम समर्पयामि श्री शाम सदाशिवाय नमः। और फूल भी चढ़वा दीजिए। मैं महादेव झारखंडी शिव मंदिर का पुजारी शंभुगिरी बोल रहे हैं। यहाँ जो है पहले कुछ नहीं था, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो है, जो भोलेनाथ जिनके आस्था में लोग दूर दूर से आते हैं, इनकी उत्पत्ति 1928 के आसपास बताई जाती है। लेकिन जो है इनका पूजा जो है, ये घना जंगल था, एक घने जंगल होने के नाते पत्तों से ढके रहते थे और इनके बारे में किसी को पता नहीं होता था। ये जो है ज़मीन जो है वह पुरुषोत्तम दास रहीश का है। इनके घर में सपना हुआ कि हम तुम्हारे रियासत में हैं, हमारा एक छोटा सा अर्घा बनवा के महादेव झारखंडी के नाम से शिवरात्रि के दिन मेला लगवा दिया करना। यह परंपरा सन 45 के बाद से शुरू हुई है और
यहाँ जो जो आबादी बढ़ रही है तो यहाँ की हर चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं, और आस्था होने के नाते काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यह जागृत स्थान है, यहाँ जो भी आते हैं, जिसकी जो मांगे होती है भोलेनाथ, उसकी आस्था को पूरा करते हैं, वो निराश नहीं जाता है। क्या महत्व होता है सावन का? सावन का महत्व ये है कि विशेष जैसे चैत्रा नवमी का महत्व होता है, उसी तरह से भगवान भोलेनाथ का जो है सावन का महीना बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए पूरा महीना सावन का हर जगह देवालयों में जहाँ भी शिव मंदिर है वहाँ पर इनकी आस्था जताने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से कांवर में गंगा जल लेकर के आते हैं चढ़ाने के लिए। स्थानीय लोग जो हैं ये लोग जो है अपना प्रतिदिन ही पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए जल, फूल, बेलपत्र यही सब इनको चढ़ाया जाता है। भांग, धतूरा और बेलपत्र इनको विशेष प्रिय है।